हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टार आईक्यू। स्टार आईक्यू के वीडियो प्लेटफॉर्म पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे बच्चों, आप सभी को मेरी तरफ से राधे राधे। आज है 26 अक्टूबर और 26 अक्टूबर 2021 के हरियाणा करंट अफेयर इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। अगर आप स्टार आईक्यू चैनल पे पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों, अगर आप पढ़ना चाहते हो मुझसे अनअकैडमी पे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए मेरे प्रोफाइल लिंक पे क्लिक कीजिएगा, मुझे अनअकैडमी पे फॉलो कीजिएगा और मेरी हर क्लास को फ्री में देखने के लिए मेरा अनलॉक कोड इस्तेमाल कीजिएगा स्टार आईक्यू। स्टार आईक्यू कोड यूज करने से आप लोगों को 10% का डायरेक्ट डिस्काउंट भी मिलेगा कोई भी अगर आप कोर्स परचेज करते हैं तो। और दोस्तों, हर संडे को अनअकैडमी पे एक स्कॉलरशिप टेस्ट होता है, उस स्कॉलरशिप टेस्ट में आप लोग जरूर हिस्सा लीजिएगा। ये स्कॉलरशिप टेस्ट है बिल्कुल फ्री, ये रजिस्ट्रेशन इसका बिल्कुल फ्री होता है। 40 क्वेश्चनों का ये टेस्ट होता है, 50 मिनट में आपको देना होता है, बायलिंगुअल ये टेस्ट होता है। इनवाइट कोड बस आपको इस्तेमाल करना होगा, वो क्या है, स्टार आईक्यू ही है, बिना स्पेस दिए स्टार आईक्यू आप इनवाइट कोड यूज कर सकते हैं। कल आपसे सवाल किया था उसका सही जवाब क्या होगा, हरियाणा में ई मोबिलिटी के क्षेत्र में शोध एवं विकास के लिए कितने रुपए तक की वित्तीय सहायता दी जाएगी। तो इस सवाल का सही आंसर था 5 करोड़ रुपए तक, यानी कि बी वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल ओके था। आज का पहला क्वेश्चन क्या होगा, उप उष्ण कटिबंधीय फल केंद्र लाडवा कुरुक्षेत्र द्वारा हाल ही में किस फल की उन्नत उत्पादन तकनीक विषय पर वेबिनार आयोजित किया गया है। देखो, एक तो इस सवाल में ही एक सवाल बना हुआ है, आपसे सवाल पूछा भी जा सकता है और अगर आपको याद हो तो थोड़े दिन पहले मैंने आपको ये पढ़ाया भी था, उप उष्ण कटिबंधीय फल केंद्र कहां पे पड़ता है, तो आपका सीधा सा आंसर आना चाहिए लाडवा कुरुक्षेत्र में पड़ता है। एक इंपॉर्टेंट बात, जिसमें हरियाणा में सबसे बड़ी मंडी है, थोड़े दिन पहले सवाल आया भी था पेपर में ये। तो उप उष्ण कटिबंधीय फल केंद्र लाडवा कुरुक्षेत्र में अभी रिसेंटली जो है ना एक वेबिनार आयोजित किया गया, और ये वेबिनार जो है ना वो कौन कौन सी फसल मतलब फल है, एक तो आड़ू है, एक है नाशपाती है, ठीक है, एक है आलू बुखारा, इन सभी के लिए ही, यानी कि डी वाला ऑप्शन इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा। नाशपाती, आड़ू और आलू बुखारा की उन्नत उत्पादन के लिए, तकनीक के लिए रिसेंटली जो है ना एक वेबिनार आयोजित किया गया था, एडवांस प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी इन सभी फलों के लिए, इन तीन फलों के लिए स्पेशली। तो आपको ये याद रखना है ये कहां पे हुआ है, ये कुरुक्षेत्र के लाडवा के अंदर हुआ है, जो कि आपका सब ट्रॉपिकल फ्रूट सेंटर पड़ता है कुरुक्षेत्र के लाडवा के अंदर। इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर आपको याद रखना है। इसमें स्पीकर कौन थे, डॉक्टर अमित कुमार थे, ठीक है, ये एसोसिएट प्रोफेसर हैं, ठीक है, जो कि कश्मीर यूनिवर्सिटी एग्रीकल्चर एंड साइंस के जो है ना वहां के एसोसिएट प्रोफेसर है ये। दूसरे स्पीकर का नाम है इसमें डॉक्टर एन सी शर्मा, वो भी एक एसोसिएट प्रोफेसर है, हिमाचल प्रदेश सोलन की एक यूनिवर्सिटी है, हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी है, वहां के एसोसिएट प्रोफेसर हैं ये भी। तो डॉक्टर अमित कुमार है ये भी एसोसिएट प्रोफेसर है, ये जम्मू कश्मीर की यूनिवर्सिटी के हैं, और डॉक्टर एन सी शर्मा है ये दूसरे स्पीकर है इसके अंदर, हिमाचल प्रदेश के हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी के। तो आपको जरूर याद रखना है इतनी ही बातें। अगला सवाल क्या कहता है आपका, 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में हरियाणा की किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ हरियाणवी फिल्म का अवार्ड दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ हरियाणवी फिल्म का अवार्ड दिया गया है छोरियां छोरों से कम नहीं होती, यानी कि डी वाला ऑप्शन इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा। भाई सही बात है, कोई इसमें शंका वाली बात ही नहीं है, डाउट तो है ही नहीं, बट परंतु किंतु लेकिन तो कहीं करना ही नहीं है। वाकई ही लड़कियां जो है बहुत ज्यादा सहनशीलता रखती है, बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि लड़कियां लड़कों से ऊपर ही होती है, कम की तो बात ही क्यों सोचते हो, क्योंकि जितना वो सह सकती है उतना तो शायद ही कोई दुनिया में सह पाए, चाहे वो दर्द को लगाइएगा और चाहे और प्रकार की घरेलू चीजें लगाइएगा, या यूं कहिएगा एक मैनेज करना होता है, मैनेजमेंट जो होता है हमारी लाइफ को करना, वाकई उनसे आप सीख सकते हैं, ये चीज तो मैं कह सकता हूँ, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात है। सही अवार्ड दिया गया है ये, छोरियां छोरों से कम नहीं होती है। अच्छा जी, 67वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह हुआ था दिल्ली के विज्ञान भवन में, बॉलीवुड कलाकारों को उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने सम्मानित किया, और साउथ फिल्म स्टार रजनीकांत को दादा साहब फाल्के अवार्ड, एक्चुअली अप्रैल 2021 में 51वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार देने की घोषणा हुई थी, रजनीकांत को दिया जाएगा, लेकिन अभी रिसेंटली ये दिया गया है।
एक मूवी आई थी छिछोरे, उस छिछोरे मूवी का जो निर्देशन किया था नीतीश तिवारी ने, और उस मूवी के निर्माता थे साजिद, उन्होंने उनको जो है ना अभी रिसेंटली सर्वश्रेष्ठ हिंदी पिक्चर मूवी का अवॉर्ड मिला। अच्छा जी, सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार प्रियदर्शन और निर्देशित मलयालम फिल्म मरकक्कर, ये जो है ना इसको 67वें हिंदी फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का अवॉर्ड मिला। अच्छा, धनुष को असुरम के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला, ठीक है, और जल्लीकट्टू के लिए गिरीश गंगाधरन को सर्वश्रेष्ठ छायांकन का अवार्ड दिया गया। इसमें वैसे बेस्ट फिल्मों की लिस्ट आप देखिएगा, सर्वश्रेष्ठ हरियाणवी फिल्म है छोरियां छोरों से कम नहीं, सर्वश्रेष्ठ छत्तीसगढ़ फिल्म है भूलन दे भूल भलैया, सर्वश्रेष्ठ तेलुगु फिल्म है जर्सी, सर्वश्रेष्ठ तमिल फिल्म है असुरनी, सर्वश्रेष्ठ पंजाबी फिल्म है रब द रेडियो टू, सर्वश्रेष्ठ उड़िया फिल्म है साला बुधर बदला और कलीरा अतीता, सर्वश्रेष्ठ मणिपुरी फिल्म है इगी कोना, ठीक है ना इगी कोना, मलयालम है कल्ला नाटम, मराठी है बार्डो, कोंकणी है काजरो, कन्नड़ है अक्षय, हिंदी है छिछोरे, बंगाली है गुमनामी, और असमिया है रोनुआ हु नेवर सरेंडर। और ये मूवी के अवार्ड अभी रिसेंटली जो है ना वो भारत के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने दिए हैं। सबको महत्वपूर्ण सवाल है, याद रखना। हरियाणा सरकार ने पराली की बेल बनाने पर किसानों को कितने रुपए प्रति एकड़ देने का फैसला किया है, तो किसानों को जो है पराली की बेल बनाने पर 1,000 रुपये, इसकी घोषणा पहले हो चुकी थी, अभी जो है ना फाइनली ये देना या इस योजना को मोहर लग चुकी है। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के उपनिदेशक डॉक्टर प्रदीप मिल ने जो है ना कहा है, कंबाइन हार्वेस्टर से धान कटाई के बाद में पराली के जो बंडल बनाए जाते हैं उन बंडल को बना के बेचा जा सकता है, और मतलब 1 एकड़ पे 1,000 रुपये सरकार देने वाली है प्रोत्साहन। हरियाणा सरकार द्वारा डॉक्टर बी आर अंबेडकर भीमराव अंबेडकर आवास नवीनीकरण योजना के तहत घर की मरम्मत के लिए वित्तीय सहायता 50,000 रुपये से बढ़ा के कितनी की गई है, तो वित्तीय सहायता 50,000 रुपये से बढ़ा के 80,000 रुपये की गई है, यानी कि बी वाला ऑप्शन इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा। आसान सवाल है लेकिन जरूरी बहुत है सवाल, याद रखना। अनुसूचित जाति के लिए बीपीएल परिवार यानी कि बिलो पॉवर्टी लाइन के जो परिवार है उनकी वित्तीय सहायता पहले 50,000 मिलती थी मरम्मत करवाने के लिए, अब उन्हें मिलेगी 80,000 रुपये, ये बात आपको याद रखनी है। हाल ही में हरियाणा सरकार ने विदेशों में निर्यात को कितने रुपए तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है, तो अभी हाल ही में हरियाणा सरकार ने विदेशों में निर्यात को जो है वो टोटल 2,00,000 करोड़ रुपए पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। रिसेंटली द हरियाणा गवर्नमेंट हैज सेट ए टारगेट टू रीच एक्सपोर्ट अबाउट टू हाउ मेनी रुपीज, तो इसका सही आंसर क्या है, 2,00,000 करोड़ रुपीज। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, जरूर याद रखना है आपको। बहादुरगढ़ से 2,000 करोड़ का सालाना फुटवेयर विदेश जा रहा है, इसे दोगुना करने का लक्ष्य। यमुनानगर से 400 करोड़ की प्लाई विदेशों में जा रही है, इसे बढ़ाने का विचार। पानीपत से 12,000 करोड़ का कपड़ा दूसरे देशों में जा रहा है, इसे 20,000 करोड़ तक पहुंचाने का लक्ष्य। 60% चावल खासकर बासमती विदेशों में भेजे जा रहे हैं, इसे भी बढ़ाया जाएगा। अंबाला के वैज्ञानिक उपकरण है या विज्ञान से संबंधित उपकरण है जैसे बिकर वगैरह हुए, इनको भी इनकी भी विदेशों में भारी मांग है, इसको भी बढ़ाया जाएगा। गुरुग्राम फरीदाबाद के ऑटो सेक्टर आईटी और इलेक्ट्रॉनिक के अलावा निर्मित वाहनों को भी दूसरे देशों में जो है आपूर्ति के रूप में कमीशन के रूप में काबिल माना गया है, तो ये सेक्टर आपको जरूरी याद रखने हैं, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। अगला सवाल क्या है, अच्छा देखो, हरियाणा का निर्यात 2,00,000 करोड़ पहुंचाने का लक्ष्य है, अभी कितना है, अभी 85,000 करोड़ है, तो मतलब आपको ये भी याद रखना है कि अभी 85 है, इसे लेके कितना जाएंगे हम लोग, 2,00,000 करोड़। हरियाणा सरकार ने गत कौन से तारीख को जो है वो राष्ट्रव्यापी हड़ताल में भाग लेने वाले सरकारी कर्मचारियों की हड़ताल अवधि को देय अवकाश मानने का निर्णय लिया है, तो इस सवाल का सही आंसर है 26 नवंबर 2020, यानी कि सी वाला ऑप्शन ठीक है। 26 नवंबर 2020 को जो राष्ट्रव्यापी हड़ताल में भाग लेने वाले सरकारी कर्मचारियों की हड़ताल अवधि को अवकाश मानने का निर्णय लिया है सरकार ने अभी रिसेंटली, अभी थोड़ा टाइम पहले जो है ना अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी महासंघ है उनकी एक बैठक हुई थी, और उसी के तहत जो है ना बोर्ड निगम विभाग यूनियन इन सभी ने मिलकर 26 नवंबर 2020 को एक राष्ट्रव्यापी हड़ताल की थी,
उस हड़ताल को जो है ना अभी रिसेंटली अवकाश माना गया है हरियाणा सरकार के द्वारा। अब वैसे तो कोई ये सवाल था नहीं, लेकिन ये बहुत बड़ा सवाल इसलिए है क्योंकि HSSC कुछ भी पूछ सकती है कि आपसे पिछले साल ऐसी कौन सी हड़ताल हुई थी या कौन से दिन की हड़ताल हुई थी जिसको सरकार ने जो है वो राष्ट्रव्यापी हड़ताल को ही अवकाश माना दिया, यानी कि छुट्टी बनाने की घोषणा कर दी। तो आपको याद रखना है 26 नवंबर 2020, उसमें ट्रेड यूनियन, सरकारी कर्मचारी, बोर्ड, डिपार्टमेंट, इन सभी ने जो है ना एक हड़ताल करी थी, उसी को जो है ना अवकाश माना है सरकार ने रिसेंटली। हरियाणा सरकार द्वारा गन्ने का बीज खरीदने के लिए किसानों को एक एकड़ पर कितने रुपए का अनुदान दिया जाएगा? गन्ने का बीज खरीदने पर हरियाणा सरकार एक एकड़ पर 8,000 रुपए का अनुदान देगी, यानी कि सवाल का बी वाला ऑप्शन ठीक रहेगा हमारा। 2021-22 में जो है वो CEO 150-23 यानी कि 150-23 किस्म है, इसकी एक आंख की बिजाई 4 फुट फासले पर करने का आह्वान किया है, और इसके लिए कोई बीज खरीदता है तो 8,000 रुपए का योगदान दिया जाएगा हरियाणा सरकार की तरफ से। वैसे भी आपको मैं बता देता हूं कि गन्ने का प्रति एकड़ मूल्य हरियाणा में ही सबसे ज्यादा है, 362 रुपए है। पहले यह था कितना जी, पहले यह था आपका 350 था, 12 रुपए रिसेंटली एक्सटेंड किया है, और ये कितना हो गया है अब आपका, ये 362 रुपए हो चुका है, याद रखिएगा आप लोग, ठीक है ना। चलिए जी, इतनी बातें आपको याद रखनी है। इसी के साथ में ये लेक्चर तो समाप्त होता है। आपके लिए क्वेश्चन है कि हरियाणा में 2021-22 में 2800 हेक्टेयर जमीन पर कितने टन झींगा उत्पादन करने का लक्ष्य रखा है? तो झींगा उत्पादन करने का लक्ष्य कितना रखा, 5, 7, 6, 8, बताइए विस्तार से। इसके बारे में कल फिर हाजिर होता हूँ लेटेस्ट अपडेट के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।